अगस्त है, यानी कि वो ऐतिहासिक दिन जब दो महत्वपूर्ण और बड़े काम हुए। आज ही के दिन कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था और 3 साल पहले आज ही के दिन अयोध्या में राम मंदिर की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, जो बनकर लगभग तैयार हो गई है। इन दो कामों की वजह से आज का दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का फैसला किया था। पिछले 4 सालों में कश्मीर में कई बदलाव किए गए, जिससे कश्मीर घाटी की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। केंद्र की नीतियों का नतीजा है कि आज कश्मीर में पत्थरबाजी, इतिहास की बातें दिखती हैं। वहीं केंद्र की योजनाओं से कश्मीर को विकास की पटरी पर ला दिया है। अयोध्या राम मंदिर की बात करें तो करीब 500 सालों का विवाद खत्म होने के बाद 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने नींव रखी थी। अब वो मंदिर लगभग तैयार है और जनवरी में उद्घाटन का शुभ मुहूर्त भी आ चुका है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा है कि जम्मू कश्मीर में दशकों तक अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और कुशासन के जनक और पोषक और हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर कलंक रहे अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति के 4 साल पूरे होने की सभी को बधाई। सीएम योगी ने यह भी लिखा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हुए इस ऐतिहासिक काम से जहां एक देश एक विधान का संकल्प पूरा हुआ, वहीं सबका साथ सबका विकास भाव के साथ जुड़कर आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। धारा 370 आज ही के दिन हटाई गई थी और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण अपने आप में। सीएम योगी का ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की भी तारीफ करते हुए दिखाई दिए यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस ट्वीट के जरिए। तो सीएम योगी ने ट्वीट कर बधाई दी है देशवासियों को